कई लोगों के मेरे लिए फोन आए, कई दुआओं के लिए आए, पत्रकार भाइयों के लिए आए, डॉक्टर्स के आए, मित्रों के लिए आए, इसके सऊदी से आराध्य सर के आए और हमारे भला करे प्रसाद कर सर जो मेरे साइनेंस के डॉक्टर थे उनका भी मेरे को फोन बार बार आता था और मेरे को गाइडलाइन करते थे। इसके साथ साथ जो है ना सिविल हॉस्पिटल्स के सभी लोग करते थे। ये खुशी हुई, एक इत्मीनान हुआ। हमारे ताई ख्याल रखे, साहब ख्याल रखे और बाबा मिस्त्री ख्याल रखे, सभी दोस्त कर गए। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि जिस वक्त मेरे को ये पॉजिटिव आया, आने के बाद जो है मेरे घर का सैनिटाइज करने के लिए मैंने अपने जेडो को बोला था कि हमारे घर जो है ना सैनिटाइज करके ले लो और मेरे को पॉजिटिव हुआ है। तो हमारे जेडो साहब, वो एक लड़के का नाम है, उसको बोले। फिर वो लड़का जो है ना इधर घर पर आया, बाहर से सैनिटाइज किया, लेकिन अंदर जाने के लिए जो सैनिटाइज करने वाले जो लड़के थे वो घबरा गए थे। क्यों घबरा गए? उनके पास कोई किट नहीं था। किट नहीं रहने के वजह से वो घबरा गया और बोले कि हमारे पास किट नहीं है और आप किट का इंतज़ाम कर लो। तो हमारे भाई ने मेरे को फौरन फ़ोन करके बताया, जिस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में था। तो उस वक्त ये हमारे सोलापुर के आयुक्त साहब, इनको मैं 2 मरतबा फ़ोन लगाया लेकिन ये अल्लाह के बंदे ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। पता नहीं क्यों रिसीव नहीं किया। एक नगर सेवक है, नगर सेवक का फ़ोन उनको सेव है, उनके मोबाइल में सेव है और सारी दुनिया को पता चला कि एक नगर सेवक को जो है पॉजिटिव आया हुआ है और एक नगर सेवक उनको फ़ोन करता है और वो फ़ोन नहीं उठाते। शायद मुझे ऐसा लगता कि उनके दिल में एक डर बैठ गया कि ये नगर पॉजिटिव है, नगर सेवक, और इसका अगर हम फ़ोन उठाएंगे तो फ़ोन के ज़रिए मेरा पॉजिटिव वायरस जो है उनमें घुसेगा। मेरे को तो लगता है कि ये हमारे आयुक्त साहब सोलापुर कॉरपोरेशन के ये उल्टे कलीजे के है, इनमें दिल ही नहीं है। मैं उनको ये कहना चाह रहा था कि वही पीपीए की किट जो है हमारे लोगों के पास नहीं है, वो पीपीए किट उनको दे दो ताकि हमारा पूरा घर जो है सैनिटाइज करे। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हमको इतना अफसोस लगता है ये हमारे कमिश्नर साहब का। ये हमारे कमिश्नर साहब सोलापुर में रहने के काबिल नहीं है। हम इनका पूरे दिल से, तहे दिल से हम इनका निषेध करते हैं साहब। जबकि हमारे जैसे नगर सेवक का फोन अटेंड नहीं करते तो एक आम आदमी की तकरार क्या सुनेंगे ये लोग, क्या नियोजन करेंगे। इनका मैं खंडन करता हूँ, इनका मैं निषेध करता हूँ साहब। ताजा बातम्यांसाठी लोकप्रधान चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।